ऑल ओवर कहीं भी ये चेक करेंगे तो पता नहीं लगने वाला एमिशन की है या नहीं की है। इसके अंदर वाइजर जो कि लगा दे गया, इसके अंदर BMW का ओरिजिनल जेनुइन फिटिंग वाला आपको मिलता है वाइजर, तो ये इसलिए लगाते हैं कि इससे कि ओवरहीट ना हो, टूटे ना, ख़राब ना हो, तो ये लगा दे गए। बहुत ही हैवी क्वालिटी के हैंड गार्ड है, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। आपको मिलता है क्रैश गार्ड जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग नज़र आ रही है इसकी। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम मैडम, मैं हूँ आपका अपना राजू भाई, आज आपके सामने लाऊं एक बार फिर से GS 310 रेड ब्यूटी। इसके अंदर मॉडिफिकेशन है वो दिखाता हूं आपको, बहुत ही नीडफुल और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें फिटमेंट किए गए हैं सारी एक्सेसरीज, वो आपको एक एक करके चेक कराता हूं कि क्या क्या लगा है इसके अंदर। पहले आपको देखने मिलेगा इसके अंदर वाइजर जो कि लगा देगा, इसके अंदर BMW का ओरिजिनल जेनुइन फिटिंग वाला आपको मिलता है वाइजर जो कि इसके इंस्टॉल कर देगा। आप चाहो तो इसके अंदर स्मोक लगा हुआ है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंट भी लगवा सकते हो, वो भी अवेलेबल है अपने पास, और चाहो तो इसके अंदर रैप कराएगा, कोई और कलर भी आप करा सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, देख सकते हैं ये है इसकी हेडलाइट की जो कि लगा दी गई है, ये आपकी इसकी ओरिजिनल जेनुइन फिटिंग की मिलती है आपको GS 310 की ओरिजिनल जो कि इसके अंदर लगा दी, इससे आपकी हेडलाइट भी सेफ हो जाती है और साथ में लुक भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है इसे लगाने के बाद। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर ही, इधर देख सकते हैं ये लगा दिया GPS माउंट जो कि आप देख सकते हैं GS 310 का ओरिजिनल है। यहाँ पर ब्रांडिंग आपको दी जाएगी इस तरफ, ये देख सकते हैं, जिससे आपका मोबाइल होल्डर वगैरह कुछ भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, साथ में आप GoPro वगैरह या फिर कुछ भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। और साथ में इसमें लगा हुआ देख सकते हैं मोबाइल होल्डर भी जो कि मिलता है आपको सिमटेक ओरिजिनल, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर, ये है आपका सिमटेक ओरिजिनल फास्ट चार्जिंग वाला जो कि मिलेगा आपको मोबाइल होल्डर, इसकी मिलती है पूरी 1.5 साल की गारंटी, काउंटर प्लेसमेंट जब भी खराब हो सीधा आइए और सीधा आप चेंज करा के नया ले जाइए। साथ में इसमें लैमिनेशन भी देख सकते हैं, ये भी इसके अंदर कर रखी है जो कि जज नहीं होगी कि की भी गई है या नहीं की गई है, कहीं भी ऑल ओवर कहीं भी ये चेक करेंगे तो पता नहीं लगने वाला लैमिनेशन की है या नहीं की गई है, क्योंकि अपना जो काम वो प्रॉपर तरीके से होता है, जुगाड़बाजी वाला जल्दीबाजी वाला काम कर नहीं करते हैं इसके अंदर। और इधर आपको देखने मिलेगी इसके अंदर 310 की ब्रांडिंग वाली आपको SS के अंदर ये मिल जाती है रेडिएटर गार्ड जो कि लुक कुछ इस तरीके से होती है, और इतना इससे रेडिएटर होता है पूरी तरीके से फुल सेफ, क्योंकि ना जब भी पत्थर वगैरह कुछ आगे लगता है तो रेडिएटर होता है बहुत ही सेंसिटिव, और उस पर अगर कुछ लग गया वो होता है आपका एल्यूमिनियम का, और वो लगने के बाद समझ लो डैमेज होने के बाद गाड़ी हमारी वहीं पर स्टॉप हो जाएगी ओवरहीट होने के कारण, तो ये इसलिए लगाते हैं कि इससे कि ओवरहीट ना हो, टूटे ना, ख़राब ना हो, तो ये लगा दिया गया। नीचे आपको देखने मिलेगा GS 310 ब्रांडिंग के साथ आपको मिलता है मेटल वाला सम गार्ड, जिससे आपका ऑयल कूलेंट ऑयल फिल्टर होता है ये सेफ हो जाता है, क्योंकि पत्थर वगैरह इस पर ये भी टूट सकता है इसका, तो ये बच जाता है। साथ में डस्ट वगैरह होती है वो भी आपके पीछे नहीं जाएगी कहीं पर भी, ये भी इसकी होल्ड करता है यहीं पर ही, तो ये लगा दिया गया। अब आपको देखने मिलेगा इसके अंदर जो कि आपको दिख रहा है ग्रे कलर का आपको मिलता है क्रैश गार्ड जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग नज़र आ रही है इसकी, ज़बरदस्त तरीके से फिटमेंट है इसकी, प्रॉपर फिटिंग है, कोई जुगाड़ नहीं होता, कोई अल्ट्रेशन नहीं होती, फिटमेंट आप चेक कर सकते हो, इससे आप चाहो तो उठा भी सकते हो गाड़ी, आपकी गाड़ी बूटी इतनी अच्छी तरीके से प्रॉपर फिटमेंट होता है आपका ये। और ये ग्रे कलर का है, आप चाहो तो इसमें ब्लैक ले सकते हो और आप रेड भी ले सकते हो, और ग्रे तो आपके सामने देख ही लिया आपने, सेम इधर मिलता है, सेम आपको मिलता है उस तरफ, इससे आपका टैंक और आपका लैग्स और आपकी फेयरिंग्स ये होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, फुली प्रोटेक्शन है जो इसके अंदर लगा दी गई है वाला क्रैश गार्ड। इधर आपको मिलता है हैंड गार्ड, देख सकते हैं ये हैंड गार्ड आपको देखने मिलेगा कुछ इस तरीके से दोनों तरफ, बहुत ही हैवी क्वालिटी के हैंड गार्ड है, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। इसे लगाने के बाद आपका लीवर और आपका हैंड ये होते हैं पूरी तरीके से फुली सेफ हो जाते हैं आपके हैंड और आपके लीवर, और ये होती है इसकी पूरी मेटल की रॉड जो कि देख सकते हो, ये होता है अनब्रेकेबल प्लास्टिक जो इसके अंदर लगा दिए गए आपके इसके हैंड गार्ड। और इधर आपको देखने मिल जाएगा थाई पैड जो कि जिससे आपका साइड में स्क्रैच वगैरह बच जाते हैं। इधर आपको मिलता है आपको टैंक पैड जिससे बेल्ट वगैरह इस पर जब बैठते ना बैठने का बेल्ट का जो आपका फ्रंट का पोर्शन था उसमें लगता है, जिससे लैमिनेशन हो कुछ भी सब फट जाता है, तो ये उसको करता है कंट्रोल इसे लगाने का, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इसके अंदर। और बैक साइड में देखें तो आपको देखने मिलेगा इसके अंदर जैसे सैडल स्टे, ये प्रॉपर सैडल स्टे जो आपको मिलते हैं BMW 310 के ही, ये प्रॉपर फिटमेंट कर देंगे आपको, दोनों तरफ मिलेंगे आपको सैडल स्टे जो कि देख सकते हैं, और साथ में इसमें लगा दिया गया टॉप बॉक्स जो कि मिलता है आपको देख सकते हैं, ग्रे बाइक है, ग्रे एंड रेड बाइक है, तो ग्रे और ब्लैक आपका लगा दिया टॉप बॉक्स, ये आपको होता है 45 मिनट। आप चाहो तो इसके अंदर पैनियर भी लगा सकते हो, देख सकते हैं अपने पास पैनियर की बहुत सारी रेंज है जो आप देख सकते हैं, और टॉप बॉक्स ये 45 लीटर है, आप चाहो तो इसके अंदर और भी अप कर सकते हो, 55 कर सकते हो, 65 कर सकते हो। और आपको दिखाता हूँ साइड में देखने मिलेगा साइड स्टैंड एक्सटेंडर, लुक चेकआउट कर लो, ये आपका BMW का ओरिजिनल है जनरल फिटिंग का जो आपको मिल जाता है इसके अंदर साइड स्टैंड एक्सटेंडर, इसे लगाने के बाद गाड़ी आपकी स्टे खड़ी रहेगी, आपकी ना तो गिरेगी ना ही कहीं भी इधर उधर फिसल सकती है इसे लगाने के बाद। और बैक साइड में दिखाता हूँ आपको टायर, अगर जो कि लुक चेकआउट कर लो, ये टायर है इसके अंदर लगा दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छी फिटमेंट है इसकी, GS की ब्रांडिंग है आपकी, आप देख सकते हैं इसे लगाने के बाद समझ लो जो डस्ट है वो तो कंट्रोल होती है, साथ में लुक काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है इसे लगाने के बाद। और इसके बाद आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसके अंदर लगा दिया गया हैजार्ड, ये देख सकते हैं इंडिकेटर, आप देख रहे हो ना, जितनी बार बटन ऑन ऑफ करूँगा उतनी बार पैटर्न हो जाएंगे चेंज इसके अलग तरीके से,
तो ये हैज़ार्ड है, ये भी सिमटेक ओरिजिनल है जो कि इसके अंदर लगा देगा प्रॉपर फिटमेंट वाला, आपको मिलता है हैज़ार्ड। और ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन। और अब मिलवाना चाहूँगा भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको कैसा लगा। तो हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? और ये बताओ कैसा लगा आपको काम वगैरह? काम बहुत अच्छा लगा है, गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है, जेन्युइन पार्ट्स है सारे, और मैं दोबारा आऊँगा और भी चीज़ें लगवानी। और इसमें एक्चुअली दो चार काम पेंडिंग है, मैं कह रहा हूँ भैया भी, अगर भैया कह रहे हैं अभी थोड़ा आउट ऑफ बजट है, मैं बाद में करवाऊँगा नेक्स्ट सैलरी पर। तो ऑल अबाउट सेटिस्फाइड है सारे काम से? सब बहुत सेटिस्फाइड। और कोई आना चाहे ऑल इंडिया से तो क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी? रिकमेंड पूरा करता हूँ मैं, यहाँ पे आइए, सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। क्वालिटी वाइज कैसी लगती है? क्वालिटी बहुत बढ़िया है। एक बार जेन्युइन है पार्ट सारे वगैरह। रेट वगैरह का इशू? रेट का कोई इशू नहीं था, सब बजट में था, सब कुछ अंडर बजट था। तो देखो ये थी भैया की मोटिवेशन। थैंक यू सर, थैंक यू आने के लिए। तो भैया का रिव्यू देख लिया, गाड़ी आपने देखी ली, और ऑल बड़ा आपको कोई भी काम करना अपने किसी भी बाइक का, चाहे आपकी छोटी बाइक हो, बड़ी बाइक हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो, सबका काम आपको मिलता है आपके अपनी शॉप राजू भाई की शॉप पर, जो कि आपको मिल जाता है दिल्ली के करोलबाग नायवलन के अंदर। हमारे शॉप का एड्रेस है, वो सिंपली एड्रेस है, बैक साइड में 36 नंबर के लिए है, और फ्रंट में देखें तो आर्य समाज रोड है। हनुमान जी की मूर्ति से जैसे आप अंदर कट लेंगे, एक हनुमान जी की मूर्ति लेंगे वहाँ पर, और एक मिलेगी जैसे अंदर जाएंगे आप मार्केट के अंदर आएंगे तो एक हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी हमारी शॉप के बोर्ड पर, जो कि मिल जाती है आपको राजू भाई एसकेडी के नाम से। आपको ये शॉप जब भी आप आते हैं तो मुझे जरूर देखने को, आपका भाई हमेशा यहाँ मिलता है, आपका अपना राजू भाई। तो आपको समझ आ चुका, बाकी अगर कुछ और क्वारीज हो, कुछ पूछना हो, कुछ सामान कुरियर कराना हो, तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप चाहो तो उससे कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप वो अपने किसी भी स्टेट में मंगा सकते हो, अपनी बाइक या स्कूटी कुछ भी यहाँ पर ला सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो सारा यहाँ पर मिल जाएगा और आपको दे भी दिया जाएगा ऑल इंडिया के अंदर। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।